चिट्ठी लिखी है खुद अपनी पार्टी के ही अंदर में मचे हुए मतभेदों को लेकर। उन्होंने कहा कि यूपी कांग्रेस में प्रियंका जी के पीएस का कब्जा है, वो मनमानी करते हैं और साथ ही कार्यालय दुराचार का अड्डा बन गया। इससे कौन कौन से संकेत वो दे रहे हैं ये समझना होगा और साथ ही कई गंभीर आरोप बताए जा रहे इस चिट्ठी के जरिए लगाए गए हैं। तो चंद्रेश ने अपनी चिट्ठी में कई गंभीर आरोप लगाए हैं और वो आगे ये भी लिखते हैं कि यूपी कांग्रेस में धन उगाही भी की जा रही है। 12,000 में पीसीसी मेंबर का पद बेचा जा रहा है, 25,000 में आईसीसी मेंबर का पद बेचा जा रहा है, साथ ही 50,000 में प्रदेश सचिव का पद बेचा जा रहा है। पूरा कांग्रेस संगठन भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। साथ ही निवेदन किया गया इस चिट्ठी के जरिए कि संदीप सिंह से यूपी कांग्रेस को मुक्ति दिलाएं क्योंकि उन्होंने संगठन को, प्रदेश संगठन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है।